हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आईएनसी के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। जनरली मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल, ऐसे लोग जो किसी कार्य को पीसफुली करते हैं, यानी वॉयलेंस में विश्वास नहीं रखते हैं। कांग्रेस में इनका जो फेस चला था, यानी इनका जो दौर चला था, वो सन 1885 से लेके 1904 या 1905 तक कह सकते हैं। और इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे दादा भाई नारोजी, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी और एमजी रानाडे और कई लोग और कई लीडर्स थे। इनका प्रिंसिपल ये था, इनका उद्देश्य ये था कि इनका जो नेचर था वो बहुत ही मॉडरेट था, ठीक है, यानी बहुत शांत गंभीर, और ये किसी भी कार्य को पीसफुली करते थे शांति से। ये देश में रिवोल्यूशनरी मेथड से नहीं चाहते थे कुछ भी बदलाव, ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो, यानी संवैधानिक रूप से हो, ठीक है। इनका 3P में विश्वास था। 3P का मतलब प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, कि अंग्रेजों के सामने ये प्रेयर करें, किसी बात को लेकर प्रार्थना करें, उनके सामने पिटीशन करें, प्रोटेस्ट करें। फिर इनका वेस्टर्न एजुकेशन में भी फैद था, यानी कि उनमें विश्वास था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ब्रिटिशर्स का वो ज़्यादा बेहतर है। और इनका जो नेचर था वो ब्रिटिशर्स से बहुत ही फ्रेंडली था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि खुद एक मॉडरेट लीडर थे, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल एज डिवाइन गिफ्ट, यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत देश के लिए एक बहुत ही गिफ्ट के प्रकार में है, यानी एक तरह से बून है, ठीक है। और जब कांग्रेस की बागडोर इनके हाथों में आई थी, इनका ये प्रोग्राम रहा कि रिडक्शन इन डिफेंस बजट्स, जो अंग्रेजों के पास जो डिफेंस से रिलेटेड जो बजट था वो बहुत ही हाई था, तो ये लोग चाहते थे कि उसमें कमी हो, ठीक है। जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो न्यायालय था वो कार्यपालिका से अलग हो, क्योंकि जो लोग इम्प्लीमेंट कराते थे लॉज को, वही क्या करते थे कि वही जजमेंट भी करते थे, जो कि सही नहीं था। तो इनका ये भी प्रोग्राम था। इनका ये भी था कि जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम जो इंग्लैंड में होती है वो भारत में भी कंडक्ट हो, वो भी सेम टाइम पे। और एजुकेशन पे जो बजट है वो इंक्रीज़ हो, इंडिया में बहुत ज़्यादा सारे इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस खोले जाएँ, ठीक है। इनका जो नेचर था एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था अंग्रेज़ों के साथ, ये उनके पास जाते थे, अपने अपनी बातों की प्रेयर करते थे, उनसे पिटीशन करते थे कि हाँ प्लीज़ ये करा दीजिए, ठीक है। और दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल। कांग्रेस की बागडोर एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के नेता के पास तब आई 1905 से लेकर 1919 तक, यानी कि तब तक यही लोग थे गरम दल के नेता कांग्रेस में, इन्हीं का दौर चला। इनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको ऐसे जनरली लाल बाल पाल के नाम से समझा जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये रेवोल्यूशन में विश्वास करते थे। इनका ये कहना था कि आज़ादी सिर्फ रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी से ही आ सकती है। ये वॉयलेंस यानी कि हिंसा का भी मार्ग अपनाते थे, ठीक है। इनका ये भी उद्देश्य था कि बस रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए, ये प्रेयर पिटीशन पे ध्यान नहीं देते थे। इनका ये मानना था कि अगर देश हमारा है तो हम अपनी ही चीज़ों के लिए क्यों हम किसी से रिक्वेस्ट करें। इनकी ये भी मांग थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण आज़ादी चाहिए इन्हें। डिड नॉट बिलीव इन पिटीशन और प्रेयर, ठीक है। और ये फॉरेन गुड्स यानी कि जो भी विदेशी सामान थी उनको ये बॉयकॉट करने के लिए कहते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे। इनका ये भी मांग था कि स्वराज जो है वो हमारा हो, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस हमारा हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, जो सन 1907 में हुआ था। कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है, नरम दल और गरम दल। ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सूरत स्प्लिट, ठीक है। तो जनरली डिफरेंस ये था कि मॉडरेट्स जो थे वो बहुत ही नरम स्वभाव के थे और वो प्रेयर्स में बिलीव करते थे और वो ब्रिटिशर्स के दोस्त भी थे, लेकिन
जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि जो गर्म दल के नेता थे वो रिवॉल्यूशन में विश्वास करते थे, वायलेंस में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि आज़ादी सिर्फ क्रांतिकारी से ही आ सकती है, ठीक है। और उनका ब्रिटिशर से एकदम नहीं मानता था। और उनका एक ये भी एक पॉइंट था कि जो हमारा एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो ये लोग इसके भी खिलाफ़ थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।